हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट क्रिक एग्जाम। तो दोस्तों, आपके रिक्वेस्ट पे मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ आरआरबी जेई सीएन 3/2018 रिजल्ट फॉर डीवी एंड मेडिकल आरआरबी अहमदाबाद जोन का एनालिटिक का वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइनल सेलेक्शन के लिए आपका मेरिट इंडेक्स मार्क कितना होना चाहिए अहमदाबाद जोन के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे सटीक कट ऑफ मार्क होगा मेन लिस्ट के कैंडिडेट्स के लिए। साथ ही साथ दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इसमें जो 50% कैंडिडेट्स आपके स्टैंड बाई के लिए बुलाए गए हैं उनका क्या होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं, आपको डर है आप वेटिंग लिस्ट में आने वाले हैं, या आप किसी भी ALP के भी वेटिंग लिस्ट में हैं और वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वेटिंग वालों के लिए हम स्पेशली मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहते हैं। और दोस्तों, अगर आप किसी और जोन से हैं और आपका अब तक डेवी कैनल जो कट ऑफ कैनलिटिक वीडियो नहीं बना आपके जोन के लिए, तो कमेंट अपना जरूर करिएगा, हम उस जोन का भी ये वीडियो बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे DMS के लिए, जिसमें सभी ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, इसमें अगर बात किया जाए तो UR की 3 सीट थी, लगभग 5 कैंडिडेट्स बुलाए गए थे। और दोस्तों, 619.6864 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ गया था। तो दोस्तों, अगर आप UR से बिलोंग करते हैं और आपका नंबर 638 के आसपास बन रहा है, तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करेंगे OBC की, तो 1 सीट पे लगभग 2 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, 612.4143 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ गया है। तो दोस्तों, अगर आपके नंबर 630 के आसपास बन रहे हैं, तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, वहीं बात करते हैं SC की, तो 1 सीट पे 2 कैंडिडेट्स है, 544.1076 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ है। तो दोस्तों, अगर आपके नंबर 570 के आसपास बन रहे हैं, तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये एक एक सीट पे दो दो कैंडिडेट्स जो बुलाए गए हैं, तो जिसका कट ऑफ है उससे ऊपर वाले का तो हो जाए, मतलब कि इतना अधिक कैसे हो गया। तो दोस्तों, अधिक होने का रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि यहाँ पे आपके सभी ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। तो जो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो मेन लिस्ट जब तक फिल नहीं होगी, इसकी आपकी वेटिंग लिस्ट आपकी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए इसके मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के बीच में बहुत ज़्यादा आपको गैप देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे ST के लिए, तो 1 सीट पे लगभग 2 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, 489.3804 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ है। तो दोस्तों, अगर आपके नंबर 520 के आसपास बन रहे, तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है DMS के लिए। अब दोस्तों, हम बात करेंगे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कैंडिडेट्स के जो कॉमन पोस्ट है उसके लिए। दोस्तों, इसमें SNT का पोस्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि SNT में मैकेनिकल वाले एलिजिबल नहीं है, उसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की कॉमन पोस्ट के लिए। UR की 90 पोस्ट है, जिसपे 135 कैंडिडेट्स लगभग बुलाए गए हैं। दोस्तों, हो सकता है एक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इससे ज़्यादा हो, क्योंकि मैं टोटल सीट का 50% एक्स्ट्रा लिया हूँ, जबकि कैटेगरी पोस्ट वाइज आपकी जो 50% एक्स्ट्रा है, तो मतलब अगर किसी में ऑड नंबर की पोस्ट है, तो वहाँ पे एक कैंडिडेट आपका बढ़ जाएगा। तो इस वजह से हो सकता है 5 से 7 कैंडिडेट्स यहाँ पे ज़्यादा हों। तो दोस्तों, इसकी मिनिमम कट ऑफ थी 621.4001। तो दोस्तों, अगर आपका नंबर 645 के आसपास बन रहा है, आप UR कैंडिडेट्स हैं, तो आपके मेल लिस्ट होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं OBC की, तो 35 सीट पे लगभग 53 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, 610.13949 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ है। तो दोस्तों, अगर आपके नंबर 635 के आसपास बन रहा है और आप OBC कैंडिडेट्स हैं, तो आपके मेल लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं SC की, तो 24 सीट पे लगभग 36 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, 546.80209 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ गया है। दोस्तों, अगर आपके नंबर 572 के आसपास बन रहे हैं, तो आपके मेल लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करेंगे ST की, तो 16 सीट पे लगभग 24 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, 488.324 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ गया है। तो दोस्तों, अगर आपका नंबर 525 के आसपास बन रहे हैं और आप ST कैंडिडेट से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो दोस्तों आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे SNT पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, SNT की बात करें तो UR से 33 सीट है, लगभग 50 कैंडिडेट्स बुलाए गए, 612.90797 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ गया है। तो दोस्तों, अगर आपके नंबर 640 के आसपास बन रहे हैं, तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है SNT के लिए UR कैंडिडेट्स के।
वही बात करते हो ओबीसी की, तो 2 सीट पे लगभग 3 कैंडिडेट्स बुलाए गए, 605.4424 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ है। तो दोस्तों अगर आपके नंबर 633 के आसपास बन रहे तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं एससी की, तो 7 सीट पे लगभग 11 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, 553.2529 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ है। तो दोस्तों अगर आपके नंबर 578 के आसपास बन रहे तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है एससी कैटेगरी से। अब बात करेंगे एसटी की, तो 1 सीट पे लगभग 2 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, 525.28935 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ है। तो दोस्तों अगर आपके नंबर 525 भी बन रहे हैं तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं सिविल के लिए, तो दोस्तों सिविल की पोस्ट थी टोटल आपकी एक, तो दोस्तों सिविल की आपकी टोटल हम पोस्ट बात करें यूआर की, तो 99 पोस्ट से 150 कैंडिडेट बुलाए गए हैं, 548.615 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ गया है। तो दोस्तों अगर आपके नंबर 582 के आसपास बन रहे हैं, आप सिविल से हैं अहमदाबाद जोन के लिए, तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं ओबीसी की, तो 48 सीट पर लगभग 72 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, 521.95143 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ है। दोस्तों अगर आपके नंबर 565 के आसपास बन रहे हैं तो आपके मेल लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करेंगे एससी की, तो 26 सीट पर लगभग 39 कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं, 446.5295 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ है। तो दोस्तों अगर आपके नंबर 485 के आसपास बन रहे हैं तो आपके मेल लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं एसटी की, तो 12 सीट पर लगभग 18 कैंडिडेट्स है, 432.15515 यहाँ का मिनिमम कट ऑफ है। तो दोस्तों अगर आप एसटी से हैं और आपके नंबर 470 के आसपास बन रहे हैं तो आपके मेन लिस्ट में होने के चांस बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों ये रहा हमारा अहमदाबाद जोन का एनालिटिक वीडियो, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं जो स्टैंड बाई 50% कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं उनका क्या होने वाला है। तो दोस्तों अभी जहाँ तक उम्मीद है 20 से 25% आपकी स्टैंड बाई अभी क्लियर हो जाएगी। कुछ कैंडिडेट्स यहाँ पे मेडिकल अनफिट होंगे, लाइक कलर विजन और किसी का चश्मे का पावर ज़्यादा है, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनको मेडिकली यहाँ पे अनफिट होंगे। वही बात करेंगे इसके बाद भी ऐसी बहुत सारी वैकेंसियाँ चल रही हैं जहाँ पे लड़के यहाँ से छोड़ के जाएंगे, लाइक एसएससी जेई पीएसयू, तो इन सभी जगह पे छोड़ के जाते हैं। और रेलवे, दोस्तों रेलवे का रिकॉर्ड रहा है कि आपकी 100% वेटिंग क्लियर हो ही जाती है। तो दोस्तों बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप वेटिंग लिस्ट में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम वेटिंग वालों के लिए स्पेशली मोटिवेशनल वीडियो बनाते रहते हैं और उनको टाइम टाइम पे आपकी वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की भी अपडेट प्रोवाइड करा दिया करेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, इसको लाइक और अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।